गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे विल बी स्टडिंग आवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 लैंग्वेज बुक, दैट इज लिंकिंग वर्ब्स. व्हाट इज लिंकिंग वर्ब्स? इस वर्ड से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा. यू गाइस विल स्टार्ट थिंकिंग इज एट एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. लेकिन लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इन दोनों में अंतर है. लिंकिंग वर्ब्स आर कंबाइंड ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब. ठीक है, लिंकिंग वर्ब जो है वो हमारे, ना ही तो वो सहायक क्रिया है ना ही वो मुख्य क्रिया है, लेकिन वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. बट दे डोंट कम टूगेदर, वो एक साथ आते भी नहीं. जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, द स्काई टर्न्ड ग्रे, आसमान जो है वो काला पड़ गया. ही लुक्स हैंडसम टूडे, आज वो हैंडसम दिख रहा है. She is a beautiful lady. वह एक खूबसूरत महिला है. Now, turned, looks, is. हमने भी जो बताया कि linking verb जो है वो ना ही तो helping verb है ना ही तो main verb है, लेकिन combination दोनों का है और दोनों एक साथ आ भी नहीं सकते. यहाँ पर साफ है, turned के साथ देखिए कोई सहायक क्रिया नहीं आया. Turned तुम्हारा main verb है, main verb. Looks अनदर मेन वर्ब, एंड इज जो है वो है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब. तो आखिर लिंकिंग वर्ब है क्या? व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसके बारे में बात करे, इट नेवर टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट पार्ट. व्हाई? ये कभी भी ऑब्जेक्ट पार्ट के बारे में बात ही नहीं करता. बिकॉज इट टॉक्स अबाउट आवर सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करता है. एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में बात करता है. वैसे तो हम ये जानते हैं कि वर्ब जो होता है वो हमेशा अपना एक्शन जो है कंप्लीट करता है. यहां पर जो है आप देखिए, द स्काई टर्न्ड ग्रे, ही लुक्स हैंडसम टुडे, यहां भी वर्ब अपना एक्शन पूरा कर रहा है. लेकिन ये जो वर्ड आप देखिए, ग्रे, हैंडसम टुडे, अ ब्यूटीफुल लेडी, ये हमारे किसी भी एंगल से जो है क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. बिकॉज दीज ऑल वर्ब्स आर इनट्रांसिटिव वर्ब्स. इनट्रांसिटिव वर्ब्स, और हम सब जानते हैं कि इनट्रांसिटिव वर्ब जो होता है इट नेवर रिक्वायर्स एनी ऑब्जेक्ट. इनट्रांसिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसकी जगह पर उसको क्या चाहिए? ऑन दैट प्लेस इट नीड्स, वेट, उसके जगह पर. जैसे इनट्रांसिटिव वर्ब्स क्या है? पहला तो फीचर क्या है? डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन दे नीड कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में हम पूरक कहते हैं, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट जब भी आता है, वेन एवर कॉम्प्लीमेंट कम्स, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट जब आएगा लिंकिंग वर्ब की बात में, वो हमेशा किसके बारे में बात करेगा? सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा. तो ये जो लिंकिंग वर्ब चैप्टर है आपका, ये यही कहना चाह रहा है कि लिंकिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच आर इनट्रांसिटिव एंड दे नेवर रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती और वो इनट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं. और हमेशा याद रखना कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब का है. लेकिन ना ही, अगर तुमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आ गए, जैसे मैं कहूं He is singing a song. He is singing a song. अब देखो, is और singing, helping verb plus main verb, दोनों एक साथ आ गए, तो हम इसको linking verb साबित नहीं कर सकते. Understood? लेकिन अगर मैं कहूं कि He looks happy today. वो आज खुश दिख रहा है, या वो आज खुश दिखता है,
तो लुक्स क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन अब यहाँ पर हैप्पी कौन दिख रहा है, खुश कौन है, ही खुश है, सब्जेक्ट। तो ये वर्ब हमारा कौन सा वर्ब हुआ, लिंकिंग वर्ब। और ये जो चीजें हैं ये क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि वर्ब यहां पर अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। जब भी लिंकिंग वर्ब व्हेन इट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट एंड इट नीड्स कॉम्प्लीमेंट, देन ओनली वी कैन कॉल दोज वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है लिंकिंग वर्ब्स का, सीधा सा मतलब समझिए कि जब वो सब्जेक्ट के बारे में बात करें, हमने अभी हमने दो तीन सेंटेंस ऊपर भी देखा, फिर मैंने यहां लिखा और उसके पहले भी मैंने लिखा था ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो क्या गा रहा है, क्यों, क्योंकि इज और सिंगिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ आ गए, तो जब वो दोनों एक साथ आ गए तब तो वो इंट्रांसलेटिव नहीं रहे ना, क्योंकि सॉन्ग आ गया, काम किस पे खत्म हो रहा है, गाने का काम गीत पर खत्म हो रहा है, गीत गाया जा रहा है, और कौन गा रहा है, ही गा रहा है, लेकिन वहां पर इज और सिंगिंग एक साथ है तो उसको हम लिंकिंग वर्ब साबित नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ही लुक्स हैप्पी टुडे, और लुक्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट हमें पता है ना कि जब हमें वर्ब से व्हाट और हुम का जवाब मिलेगा तभी हम जानेंगे कि हाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है, अगर उससे हमें व्हाट और हुम का जवाब नहीं मिला तो समझ जाओ कि उसमें जो है कॉम्प्लीमेंट आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिएगा, ट्राई टू गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं स्टूडेंट्स, ओनली ट्राई टू फोकस दैट व्हाट इज लिंकिंग वर्ब और उसका फोकस किस पे होता है। लिंकिंग वर्ब का फोकस हमेशा उसके सब्जेक्ट पे, ओके, इट नेवर फोकसेस ऑन इट्स ऑब्जेक्ट पार्ट बिकॉज इट नेवर रिक्वायर्स, उसे कभी जरूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट की, क्योंकि उसकी जगह पे कौन आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक, जो कि वर्ब की अधूरी मीनिंग को पूरा कर दे, और किसके बारे में बात करें, सब्जेक्ट के बारे में। अंडरस्टूड? तो ये थे उसके कुछ फीचर्स, इंट्रांसलेटिव वर्ब्स, इनको क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और ये क्या चाहिए इनको, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्यों आता है, इसका हिंदी मतलब ही पूरा ही, जो कि वर्ब में लग करके उसकी मीनिंग को पूरा कर दे, और किसके बारे में बात करेगा, सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स हैप्पी टुडे, वो आज खुश दिखता है, तो कौन खुश दिखता है, ही, सब्जेक्ट के बारे में ये लुक्स बात कर रहा है, ना कि हैप्पी और टुडे के बारे में बात कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, सो गो थ्रू इट, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट। थैंक यू क्लास।